आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Created with free version for non-commercial use. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। देसी हल टीवी में तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, टमाटर से चेहरा रोशन चमकदार हमेशा के लिए नरम और मुलायम सिर्फ एक हफ्ते में जवान हो जाओ, यानी कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग होगी, इतनी स्पॉटलेस होगी कि आपकी ये जो एक जवानी है वो फिर वापस लौट आएगी। दोस्तों, सबसे कीमती और सबसे आसान नुस्खा आज आपको दे रहा हूँ। टमाटर से चेहरा रोशन कैसे होता है, कैसे इसको बनाना है नुस्खे को, इससे आपका कलर तक फेयर होगा और आपकी चेहरे की जो झुर्रियां हैं, तमाम दाने हैं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस नुस्खे में आज के हमारे इस वीडियो में हम दो चीजों को बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लींजर, ठीक है, चेहरे की क्लींजिंग के लिए, और दूसरा हम बनाएंगे फेस पैक, ठीक है। ये दोनों बहुत लाजमी है, बहुत ही कमाल की चीजें हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं दोस्तों क्लींजर। क्लींजर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दोस्तों टमाटर और दूध, यानी टमाटर का जूस चाहिए, ठीक है। टमाटर को आप ग्राइंड करके इसको छननी की मदद से आप इसका जूस निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लींजर के लिए टमाटर का जूस सिर्फ और सिर्फ 3 चम्मच और दूध हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच, ठीक है। इस दोनों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करके हम कॉटन की मदद से इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चेहरे पर अच्छी तरह से इसको अप्लाई करके आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अच्छी तरह से आपने इसको रगड़ना है चेहरे पर, ठीक है। अगर आप तो हाथों पर लगाना चाहती हैं तो हाथों पर लगा लीजिए, ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए यकसा है, ठीक है। और अपने चेहरे पर इसको अच्छी तरह से कॉटन के साथ रब करके, रुई के साथ यानी कि रब करके छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट बाद अपने फेस को धो लीजिए और उसके बाद हम बनाएंगे अब दोस्तों फेस मास्क, ठीक है। फेस मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दोस्तों एक टमाटर चाहिए, टमाटर का जूस चाहिए, ठीक है। टमाटर का जूस हमें अगेन कैसे बनाना है, ठीक है, टमाटर को हम वही तरीके उसी तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे और ग्राइंडर में डालकर इसका जूस बना लेंगे छननी की मदद से छान कर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए योगर्ट, दही, ठीक है। और तीसरे नंबर पे चाहिए शहद, शहद और साथ आखिर में बेसन। बस फेस मास्क हमारा रेडी है। अब हमने सबसे पहले एक खाली बाउल लेना है, उसमें हमने तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो टमाटर का जूस है वो डालना है और 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच दही का डालना है और 1 ही चम्मच हमने हनी का भी डालना है, यानी शहद का भी डालना है, और 2 से 3 चम्मच हमने बेसन के ऐड करने हैं। अब इन तमाम अशिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। अगर जरूरत पड़े ज्यादा और डालने की, पानी डालने की, तो पानी ना डालिएगा। अगर सूखा हो ज्यादा तो आपने जो टमाटर का जूस है वही डालना है, ठीक है। टमाटर का रस ही बीच में डालना है, पानी हरगिज़ ऐड नहीं करना। अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको छोड़ दीजिए और एक कोई शॉपर ले लीजिए, शॉपर की मदद से या फिर आप अपने हाथ की मदद से ही इसको चेहरे पर अप्लाई करिए, ठीक है। ये गाढ़ा सा पेस्ट होगा, इसको चेहरे पर अप्लाई करें। चेहरे पर अप्लाई कर लेने के बाद इसको छोड़ दें। आप गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पांव पर भी, हाथ पर भी, बाजू पर भी, ठीक है। अप्लाई करके इसको छोड़ दीजिए और सूखने का इंतजार कीजिए। जब ये सूख जाए इसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए और आफ्टर बिफोर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही जल्द आपके स्किन को वाइट करता है और आपकी स्किन को जो है वो ग्लो करता है।
چمکدار بناتا ہے اور آپ کی سکن کو سپاٹ لیس بناتا ہے، دانوں سے پاک بناتا ہے، جھریوں سے پاک بناتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ کلینزر اور فیس ماسک آپ کی حوالے کیا، اب آپ کا کام ہے ان کو استعمال کرنا۔ بہت ہی سمپل ہوم ریمیڈیز ہیں آج آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، بہت ہی کمال کی چیزیں آپ کی خدمت میں آج چار ویڈیوز دی ہیں۔ تو دوستو ان چار ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے۔ آج تک کے لیے ہم اتنا ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، آج کی ہمارا جو ٹیوٹوریل ہے وہ ختم ہوتا ہے، یہیں تک چار ویڈیوز تک تھا، اور انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں مزید ہوم ریمیڈیز لے کر آئیں گے اباؤٹ سکن وائٹننگ، بیوٹی ٹپس وغیرہ ہر طرح کی۔ ٹھیک ہے دوستو، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کریٹڈ ود فری ورژن فار نان کمرشل یوز۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ